हाय एवरीवन, दिस इज कोरियोग्राफर गणेश शिवरकर ऑन दिस साइड, सुशांत सिंह राजपूत फ्रेंड और सच्चा भारतीय जो किसी के बाप से नहीं डरता, आपको सच्ची खबर देता है। हालांकि फिलहाल मैं आपको जंगल में हूँ आजकल और जंगल से ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी क्या सिचुएशन है आपको सबको पता है। पीछे जो देख रहे हो आप वो पवना सिटी है, पवना लेक नीचे है और यहाँ से बहुत सारे लोग नीचे टेंट वेंट लगा के सब चीज़ें करते हैं और यहाँ पर भी यहाँ भी कुछ चीज़ें दिखती होगी, लोग पता नहीं गंदगी क्यों करते हैं, तो यहाँ पर भी पार्टी मनाने आते हैं। हम लोग अभी अंदर जाएंगे, यहाँ से नीचे है और मेरा बैग है उधर, और यहाँ से नीचे देखिए, ये यहाँ से नीचे है जगह जहाँ से हम जा सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ दिक्कत ये है कि पैर रखते हैं ना तो पता नहीं होता है नीचे क्या है। तो आप जब भी जंगल में चलो, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं वैसे नॉर्मली बता रहा हूँ, जंगल में जब भी चलो ना तो आपको पता तो नहीं होता, घास से पता तो नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे देखना नहीं, डायरेक्ट रखो, क्योंकि वो वाइब्रेशन से जो भी इंसान होगा ना वो शायद अलर्ट होगा और वही रुक जाएगा। चलना है ऐसा, रखा वेट किया। तो अगर हलचल दिखाई दी घास में तो वही वेट करना है, क्योंकि आप भागोगे वाइब्रेशन होगा और पकड़ लेगा होगा जो भी जानवर होगा। तो चलो आज की खबर मैं आपको बता देता हूँ, चलो थोड़ी देर रुकते आपको खबर बता देता हूँ। हाँ, शाहरुख खान, और आपको खुशी होगी लेकिन ये खबर सुन के, इसलिए आप लास्ट तक सुनिए। शाहरुख खान, आलिया भट्ट और शाहिद कपूर, एक आपको याद होगा शाहिद कपूर और शाहरुख खान, इन दोनों ने आईफा अवार्ड में सुशांत सिंह राजपूत को बुला के उसके साथ ये जो की थी, इसके बारे में कई लोगों ने बोला था कि ये स्क्रिप्ट राइटेड होती है। ऑफ कोर्स मैं भी ये मानता हूँ कि स्क्रिप्ट राइटेड होती है, आईफा अवार्ड फंक्शन है, इतना बड़ा फंक्शन है, लेकिन किस तरह से आप बिहेव करते हो ये भी मैटर करता है। क्योंकि हालांकि शाहरुख खान को सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज़्यादा मानता था, शाहिद कपूर को भी सुशांत इसलिए मानता था क्योंकि शाहिद के नक्शों पर सुशांत चल रहा था, क्योंकि वही शामक दावर से पास आउट था, डांस क्लासेस चलाता था और उसके बाद वो अपना क्या डांस क्लासेस चलाता था, उसके बाद वही एक्टिंग किया, चलो हम नीचे चलते, तो एक्टिंग किया और उसके बाद आगे का तुमको दिखाता हूँ कैसा रास्ता है। ये देखता हूँ, इधर चलना है, यहाँ थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि पैर वैर स्लिप हो गया तो थोड़ी दिक्कत होती है। अब जंगल ही जंगल है, अंदर आपको दिख रहा होगा, तो चलो यहाँ पर भी थोड़ी देर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखो अंदर पूरा मस्त माहौल है, लेकिन फुल ऑफ ऑक्सीजन मैन, फुल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके बाद यह होता है कि शाहिद कपूर ने जिस तरह से किया, और आलिया भट्ट का तो आपको मालूम ही है, आलिया भट्ट ने कॉफ़ी विद करण में जैसे पूछा था करण जौहर ने कि पहले किया था रणबीर कपूर तो और रणवीर सिंह और सुशांत सिंह राजपूत, तीनों के बारे में आपके थाट्स क्या है, एक ही वर्ड्स में बोलना है, वो खेलते रहता है करण जौहर। तो उसने बोला रणबीर कपूर, आई मैरी रणबीर कपूर, रणवीर सिंह वेरी हॉट, या ऐसा कुछ बोला था, मुझे याद नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत किल्ला ऐसा कुछ बोला था, ऐसा बोला था सॉरी आलिया भट्ट। तो ये तीनों चीज़ों ने जब बोली गई थी, तो आज कैसे कर्मा रिफ्लेक्ट करता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। आप देख सकते हो आपके लिए इतने मुश्किल से मैं वीडियो फिर भी बना रहा हूँ, क्योंकि एक ही ज़रिया फ़िलहाल है मेरे पास बात करने के लिए और कुछ भी नहीं है। जंगल में वैसे तो डॉक्टर नहीं बोला जंगल में रहो, और जगह वैसे भी है नहीं अपने पास। तो चलिए, वैसे आप हेल्प करना चाहते हो तो मैंने नंबर दे रखा है पेटीएम का, आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो वैसे भी नहीं कर रहे लोग तो कोई बात नहीं, तो लेकिन वीडियो को आप नहीं कर सकते तो कम से कम शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इतना तो शायद आप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलो तीनों को बता देता हूँ, चलो लाइक सब्सक्राइब तो कर लिया, अभी इधर मैं एक्चुअली इधर जाऊँ क्योंकि मैं अभी यहाँ तक आया था, कल मैं उस साइड गया था, तो अभी इस साइड से जो या नीचे जाऊँ, नीचे थोड़ा सा एक्चुअली डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं जूते पहन के नहीं आया, तो जूते मेरे हिसाब से वो चमड़े वाले जूते पहनने ज़्यादा बेटर है, तो आज इधर से चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, चलो शाहरुख खान की। तो शाहरुख खान की दुन की पिक्चर आ रही है जिसमें वो कौन सी हीरोइन थी यार, जिसका कंगना के साथ झगड़ा होता रहता है हमेशा, भूल जाता हूँ, थप्पड़ उसकी फिल्म आई थी, तो वो उसके साथ फिल्म आ रही है, बाकी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहती है वो हीरोइन, और उसके बाद ये फिल्म की शूटिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और पब्लिक की तरफ से रिएक्शन ही आ रहा है कि फिल्म का चलना बड़ा मुश्किल है। हालांकि शाहरुख खान हमेशा ट्राई करते हैं नया न्यू फैन नहीं है। चेन्नई एक्सप्रेस के बाद रावण एक पिक्चर आई थी, वो नया ट्राई किया था उसने लेकिन नहीं चली, उसके बाद फैन एक कंसेप्ट था जिसमें फैन जो करता है वो डर टाइप की फिल्म थी, लेकिन वो भी नहीं चली।
एक्सपेरिमेंट जरूर कर रहे हैं शाहरुख खान साहब, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फुल प्रूफ तक नहीं पहुंच पाया। तो राजकुमार हिरानी एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने अभी तक कोई फ्लॉप पिक्चर दिया ही नहीं, क्योंकि उसमें से एक पीके भी है जो सुशांत ने उसके साथ काम किया था राजकुमार हिरानी साहब के साथ, लेकिन वो फिल्म में एक रुपया भी सुशांत ने नहीं लिया था, उसकी बहुत तारीफ करते थे राजकुमार हिरानी साहब। लेकिन अब रही बात शाहरुख खान की इस फिल्म का रिव्यू जो आ रहा है पब्लिक बॉलीवुड की तरफ से, वो उतना कुछ खास नहीं आ रहा है, और इसका क्या होगा इस फिल्म का मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इस फिल्म को दो रीज़न, एक रीज़न से चाहता हूँ कि फ्लॉप ना हो, वो रीज़न ये है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म, राजकुमार हिरानी वॉज द जनरल डायरेक्टर जिसने पब्लिक को मुन्ना भाई MBBS एक अच्छी फिल्म दी, लोगों को प्यार करना सिखाया, एक पीके जैसी फिल्म दी जिसने सुशांत सिंह राजपूत एक पाकिस्तानी मुस्लिम होने के बाद भी अगर सच्चा है वो तो यहाँ की लड़की से शादी करता है और प्यार से रहता है, प्यारा आदमी बताया, एक वो फिल्म 3 Idiots जिसमें एजुकेशन का सिस्टम था इसके लिए होना चाहिए। हालांकि उसके दूसरी बात चलते हैं, ज़्यादा भी बोलना मेरे लिए सही नहीं है। दूसरी आगे बात चलते हैं शाहरुख के दुनकी की बात कर लेता हूँ, शाहरुख खान की वैसे बात कर लेता हूँ। शाहरुख खान भी वैसे हार्ड वर्किंग गाय है, लेकिन उसने सुशांत के साथ जो किया उसके बारे में तो मैं बिल्कुल ही इस वजह से मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों को जो सुशांत की वजह से अगर उन्होंने गलत किया, ऑफ कोर्स उस वजह से नहीं करता। लेकिन अब बात करोगे आर्यन की, तो आर्यन और शाहरुख अलग अलग चीज़ें हैं, बाप की सज़ा बेटे को मिले ये भी सही नहीं, ठीक है। सो इसीलिए, और ये समाज के लिए भी सही नहीं है कि जिसके पास कुछ ना हो उसको आप एक महीने अंदर करो, इसीलिए वो सपोर्ट किया। तो चलो दूसरी बात करते हैं, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट प्रेग्नेंट है, आपको पता है जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, ये बातें भी चल रही है। इस बारे में आलिया भट्ट और रणवीर और पूरे फैमिली में काफ़ी क्लश चल रहा है। चलो थोड़ा अंदर चले, आपको भी बता देता हूँ, थोड़ा जंगल वैसे तो आप देखते नहीं होंगे। आगे चलते हैं, चलो आगे आ गए। अभी ऐसे हर बार जंगल नहीं होता, समझ रहे, अभी इस तरह के ना इधर से अभी रास्ता है, इधर से काफ़ी अच्छा रास्ता है आगे जा रहे, फिर आगे वो पर्वत आएगा, चलो आपको दिखा भी देते हैं आगे, फिर आलिया भट्ट की बात वहाँ करते हैं, ठीक है। अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, ऑक्सीजन शायद आपको भी फील हो रहा होगा। तो चलो आगे का देखो, ये रास्ता और ये जा रहा है अभी पत्थर वत्थर पर्वत पर, पैर फिसलने का डर होता है क्योंकि बारिश में यहाँ बड़ा अजीब सा आ जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं। चलो यहाँ पे हम आ गए पर्वतों की साइड, ठीक है, यहाँ पे भी आगे जाके एक वीडियो बनाएंगे और फिर साफ तो नहीं है। तो चलो चलो अब यहाँ बैठ के बात करते हैं आलिया और शाहिद कपूर। हाँ तो अब रही बात आलिया भट्ट की, आलिया भट्ट का जुड़वा बच्चे होने की बातें हो रही है, लेकिन इस बात पे रणवीर कपूर उनके हस्बैंड है, इस बात पे काफ़ी क्लेश हो रहा है घर में आलिया भट्ट को लेके, उनकी प्रेगनेंसी को लेके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है काफ़ी सा। मीडिया में आलिया भट्ट क्या क्या बोलते हैं तो आपको पता ही है, उस बारे में मुझे पता नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बारे में बहुत फैमिली क्लैशेस हो रहे हैं, वो फैमिली हो या पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, इन तीनों की बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। क्यों हो रही है ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तक सुशांत के जाने के पहले तक ये तीनों पूरी ज़िंदगी जी रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, काफ़ी खुश थे। और आलिया भट्ट की भी, महेश भट्ट की हालत बहुत ख़राब है, सड़क 2 के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद भी रणबीर कपूर की बात करूं मैं, तो रणबीर कपूर की भी फिल्में शमशेरा का क्या हाल हुआ ये आपको पता है, मेरे से बोलने की भी ज़रूरत नहीं। मैं फिल्म का रिव्यू इसलिए भी नहीं देता हूँ क्योंकि फिल्म का रिव्यू यहाँ जो मुझे देखने वाले हो तो पूरा बॉलीवुड बॉयकॉट कर चुके हैं, तो वो तो देखना ही नहीं चाहते, तो मैं उनका फिल्म का रिव्यू क्या दूँ। फिर भी अगर आपको फिल्म का रिव्यू खुशी मिलती है तो मुझे thankyousushant@gmail.com बोलिए, मैं फिल्म का रिव्यू दे दूँगा, क्योंकि OTT पे ही मैं देखूँगा, फिल्म थिएटर में देखने के पैसे नहीं होते, वहाँ थिएटर में जाए 500-600 रुपये ख़राब करने का मेरा तो हालत भी नहीं और मैं ख़राब भी नहीं करना चाहता। चलो तीसरी बात करते हैं इस इंसान के बारे में, सुन के आपको बड़ा अच्छा, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ शाहिद कपूर की आज की डेट में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहली बात करूँगा पर्सनल लाइफ की, मीरा राजपूत उनकी वाइफ है और उस बारे में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी मीरा राजपूत से शाहिद कपूर झगड़ पड़े ट्विटर, ये भी बातें हो गई। और फिलहाल प्रोफेशनल अगर बात मैं करूँ तो पर्सनल बात मैं करूँ तो डिवोर्स तक बातें चल रही है, और पर्सनली अगर प्रोफेशनल बात करूँ तो शाहिद कपूर की फिल्म तो मुझे नहीं लगता अभी कोई चल रही है। जर्सी का क्या हाल हुआ ये भी आपको पता है, और बाकी सारी फिल्मों का क्या क्या हाल हो काफ़ी है। कबीर सिंह के बाद तो मुझे नहीं लगता कोई पिक्चर चली है शाहिद कपूर, ये बात अलग है कि कबीर सिंह सुशांत को भी सुशांत का वो लुक टेस्ट हुआ था,
सुशांत को उस फिल्म से निकाला नहीं गया था, लुक टेस्ट हुआ था। हालांकि ये बात मैं मानता हूँ कि रामलीला बाकी जो फिल्में हैं संजय लीला भंसाली की लाइन में पद्मावती वगैरह जो भी है, खलजी वलजी जो भी रोल किया, वो रणवीर सिंह से ज़्यादा अच्छा सुशांत सिंह राजपूत कर सकता था। लेकिन कबीर सिंह की अगर बात करोगे तो कबीर सिंह स्पेशली वो शराबी बेवड़ा वो सब चीज़ें थी, तो मुझे लगता वो शायद लुक टेस्ट में सुशांत भी हो, क्योंकि सुशांत अवेयरनेस वाला इंसान था, महेंद्र सिंह धोनी उस टाइप का रोल ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, शायद मैंने उस हालत में उसको मतलब उस सिचुएशन में मैंने उसको देखा नहीं, तो शायद मैं भी कोई बड़ा डायरेक्टर हूँ नहीं, कोरियोग्राफर हूँ, तो मुझे शायद समझ में नहीं आया। लेकिन कबीर सिंह में शाहिद कपूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, ये बात भी सच है। लेकिन शाहिद कपूर का उस फिल्म के बाद कोई भी चीज़ हिट नहीं हुई, पर्सनल चीज़ें किस तरह से हो गई। कहने की बात यह है कि तीनों की हालत किस तरह से ख़राब है ये मुझे बोलने की ज़रूरत है। ये वीडियो देख के आपको खुशी होगी इसलिए मैंने वीडियो बनाया, हालांकि ये वीडियो बनाने के मेरा नुकसान ही नुकसान। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बहुत सारे ऐसे सारे कुछ होंगे। थैंक यू सो मच।